विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल का पहला दिन है, नई शुरुआत का दिन है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश शेयर करने जा रही हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को दिया था उन्हें लक्ष्य का निर्धारण करने की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना कितना ज़रूरी होता है अगर आप उच्च सफलता अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में होना कितना ज़रूरी है, तो वो कौन सा संदेश है आइए जान लेते हैं। एक समय स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के यथार्थ स्वरूप का परिचय देते हुए कहा था, हे युवाओं, तुम उस सर्वशक्तिमान की संतानें हो, तुम उस अनंत दिव्य अग्नि की चिंगारियां हो। स्वामी जी ने जीवन लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। इसका मतलब है हर आत्मा मूल जीवन के हर क्षेत्र में उसकी अभिव्यक्ति के ही स्वरूप देव स्वरूप है और जीवन का लक्ष्य इस दिव्यता को जगाना है। स्वामी जी ने कहा कि मानव की अंतर्निहित जो दिव्यता होती है उसे जागृत करना ही हमारे जीवन का उच्च लक्ष्य होता है। मनुष्य के जीवन में जब उसका लक्ष्य निर्धारित होता है तो उसका पूरा जीवन उसके अनुरूप ही गठित हो जाता है, लेकिन जब तक मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है तो उसकी 99% जितनी भी शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो सब इधर उधर बिखर कर नष्ट होती जाती है, क्योंकि वो लक्ष्यहीन होता है। इसके बाद स्वामी जी ने बोला, आध्यात्मिक आदर्श के अभाव में मनुष्य अपनी अंतर्निहित दिव्यता और पूर्णता को भुलाकर देह मन तक ही अपने परिचय को समझ बैठता है। अपने दुखों का, मतलब मनुष्य के दुख, विषाद या जो भी कष्ट होते हैं, उनका जो मुख्य कारण होता है वो यही आत्मविस्मृति होती है। स्वामी जी ने कहा कि आध्यात्मिक और मात्र आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारी बुराइयां, हमारे दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। इसी क्रम में स्वामी जी ने आगे कहा, तुम अपनी बुराइयों, अपने दोषों के लिए दूसरों को दोषारोपण क्यों देते हो? जो तुमने बोया था तुम वही तो काट रहे हो। कभी भी भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि दूसरों पर किया हुआ दोषारोपण हमें दुर्बल और सिर्फ दुर्बल बनाता है। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। जो तुमने किया उसके लिए खुद को जिम्मेदार बनाओ, खुद को जिम्मेदार ठहराओ, क्योंकि सिर्फ तभी तुम उसे नष्ट कर पाओगे, क्योंकि जो तुमने खड़ा किया है वो तुम ही ध्वस्त कर पाओगे। वो कहते हैं, दूसरों को दोषारोपण ना करके, दूसरों को दोषी ना ठहराकर इसकी जगह तुम्हें करना चाहिए कि जो ये बोलो कि जो भी मैं झेल रहा हूं ये मेरा ही रचा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने पर हम स्वयं ही उसे नष्ट करने वाले बन जाते हैं। स्वयं ही अपने इन सभी चीजों की जिम्मेदारी हम खुद पर जब लेंगे तो हम बहादुर बनेंगे, निडर बनेंगे और दृढ़ बनेंगे, और तभी जो हमने खड़ा किया है वो हम ध्वस्त करेंगे। जो हमारा रचा हुआ है उसे हम ही ठीक करेंगे। किसी और को अपने किए हुए चीजों के लिए कभी भी मत उनको दोषी ठहराओ। जो किया है उसके लिए स्वयं जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाओ और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी लो, तभी आप अपने जीवन में उच्च सफलता को हासिल कर पाओगे। अंत में स्वामी जी कहते हैं कि अपने भाग्य के निर्माता तुम स्वयं बनो, अनंतर भविष्य तुम्हारे सामने है, समस्त शक्तियां, समस्त सफलताएं तुम्हारे ही भीतर हैं। जिस तरह से बुरे कर्म या बुरे विचार एक खूंखार शेर की तरह हमेशा झपटने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा याद रखो कि अच्छे कर्म और अच्छे विचार देव दूतों की तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और सिर्फ ये बोलकर वीडियो को समाप्त करती हूँ कि अपने जीवन में आप लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी तरफ एक एक कदम ले, तो आपको लाइफ में आपने जो भी डिसाइड किया है वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। सिर्फ जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की और पेशेंस की। ये दो चीज अगर आपकी लाइफ में है तो आप जरूर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है लक्ष्य को निर्धारित करना, आप जीवन में चाहते क्या हैं, और उसके बाद एक प्लान करना और उसके लिए एक एक स्टेप लेते जाना बिना रुके, बिना थके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो नए हैं चैनल पर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।